वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रिश्ते के बीच गीता रॉय उर्फ गीता दत्त को पिसते हुए दिखाया जाता है। कभी न कभी आपने भी गीता दत्त को हमदर्दी की नजर से देखा होगा, पर क्या ये हमदर्दी जायज है? गीता दत्त की कहानी को इस ढंग से पेश किया जाता है जिससे अपने आप हमदर्दी बढ़ती है, पर आज आपकी आंखें खुलेंगी। गुरुदत्त के काबिल दोस्त और प्रसिद्ध पटकथा लेखक अबरार अलवी ने गीता दत्त को लेकर बड़ी अहम बातें साझा की हैं। तो चलिए बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर कहानी को शुरू करते हैं, मैं यानी अनामिका के साथ। गुरुदत्त बड़े शांत और अंतर्मुख इंसान थे। सुबह होने के साथ काम की तैयारी में लग जाते थे और स्टूडियो से सीधे घर आते थे। किसी दिन काम ना हो तो वो लोनावला के एक घर में चले जाते थे। पर गीता दत्त की बात की जाए तो उनका स्वभाव गुरुदत्त के विपरीत था। गीता को अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना अच्छा लगता था। वो अकेली रह नहीं पाती थी, इस कारण से हेमंत कुमार, बेला मुखोपाध्याय, मन्ना लड़ा, बीरेन नागा, हेमन गुप्ता, रत्न गुप्ता, स्मृति विश्वास जैसे फिल्म जगत के जाने माने लोग गीता के इर्द गिर्द रहते थे। गुरुदत्त को हमेशा लगता था कि स्मृति विश्वास के कारण गीता उन पर शक करती थी। गीता दत्त भी अपने पति से ज्यादा बाकी दोस्तों पर ज्यादा भरोसा रखती थी। इस मामूली कारण से उन दोनों में दरार बनने लगी। उस वक्त गुरुदत्त ने वहीदा रहमान के साथ 3 साल का करार किया था। उस वक्त वे CID फिल्म बना रहे थे, पर शूटिंग खत्म होने से पहले उन्होंने प्यासा पर काम करना शुरू किया। यूनिट के सभी लोग गुरुदत्त को समझाते थे कि वहीदा रहमान से एक्टिंग नहीं होगी, पर गुरुदत्त ने वहीदा को उच्च श्रेणी की अभिनेत्री बनाने का फैसला लिया था। इस काम के लिए वे वहीदा के साथ समय बिताने लगे। अबरार अलवी के अनुसार गुरुदत्त और वहीदा सभी लोगों के निकलने के बाद भी स्टूडियो में रुका करते थे। ये बात सुनने में अटपटी सी लगेगी, पर गुरुदत्त की नीयत साफ थी। अबरार अलवी बताते हैं कि गुरुदत्त अपनी बीवी से तंग आकर घर जाने के बिना सीधे लोनावला निकलते थे, तो कभी कभी स्टूडियो में ही रुकते थे। उन दोनों की प्रेम कहानी कब शुरू हुई ये किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वे अबरार अलवी को अपनी निजी जीवन की छोटी से छोटी बात भी बताते थे। वहीदा को लेकर उन्होंने कभी कोई बात नहीं छेड़ी। दरअसल गुरुदत्त और वहीदा के बीच कोई रिश्ता नहीं था। गीता दत्त से दूरियां बनाने के बाद वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, पर अंत समय तक गुरुदत्त ने अपनी मन की बात किसी को बताई नहीं। पर यूनिट के लोगों को गुरुदत्त पर शक पहले से था। एक दिन अबरार अलवी गुरुदत्त के घर आए हुए थे। काम की बात शुरू होने से पहले बाहर से 3-4 गाड़ी आने की आवाज आई। देखते ही देखते गीता दत्त और उन लोगों के बीच पार्टी का माहौल बना। शराब और सिगरेट के बीच गुरुदत्त और अबरार अलवी घुटन महसूस करने लगे। तभी उस ग्रुप से एक लड़का और एक लड़की घर से बाहर गए और बहुत देर के बाद लौट आए। अबरार अलवी को तब पता चला कि क्यों गुरुदत्त को गीता दत्त के दोस्त पसंद नहीं थे। प्यासा की शूटिंग के दौरान गुरुदत्त ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उस फैसले के पीछे गीता दत्त के अलावा कोई नहीं था। एक दिन गीता दत्त रोते हुए अबरार अलवी के घर आई और उनकी पत्नी के समक्ष आप बीती सुनाने लगी। अबरार अलवी को लगता है कि उस दिन गीता ने हमदर्दी जताने के लिए ये नाटक रचा था। अबरार अलवी ने भी गीता को समझाया कि गुरु और वहीदा के बीच कोई रिश्ता नहीं है। कुछ दिन पहले खुद वहीदा की मां ने भी अबरार से गुरुदत्त के बारे में पूछा था। उस वक्त भी उन्होंने गुरुदत्त के पक्ष में वहीदा की मां को समझाया था। इस प्रकार की घटना होते हुए देख गुरुदत्त डिप्रेशन में आ गए। उनके बारे में लोग गलत सोच रहे हैं, इस बात से वे चिंतित रहने लगे। एक दिन स्मृति विश्वास के कहने पर गीता दत्त ने वहीदा के नाम गुरुदत्त को प्रेम पत्र भेजा। वो पत्र पढ़ते वक्त अबरार अलवी भी गुरुदत्त के साथ थे। उन्होंने अबरार को स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये खत वहीदा ने नहीं लिखा है। इस घटना के बाद अबरार अलवी को गीता दत्त का असली चेहरा दिखा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस स्तर तक गिर सकती हैं। वहीदा के मन में क्या था ये कोई नहीं जान पाया,
पर यूनिट के सभी लोग गुरुदत्त को वहीदा रहमान से शादी करने को कहते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि गुरुदत्त सच में वहीदा रहमान से प्यार करने लगे। अबरार अलवी ने ये बात माना है कि वहीदा और गुरुदत्त की नज़दीकियाँ यूनिट के लोगों के कारण बढ़ी, पर तब भी गुरुदत्त ने खुले तौर वहीदा रहमान को लेकर कोई बात अबरार अलवी को नहीं बताई। गुरुदत्त को अब क्या करना है इसका फैसला लेने का अधिकार खुद गुरुदत्त के पास नहीं था। साहेब बीवी और गुलाम फिल्म की शूटिंग के दौरान एक घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल वहीदा रहमान की बहन सईदा का पति राउफ ने अफवाह फैलाई कि गुरुदत्त वहीदा से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकारने वाले हैं। मामला इस हद तक पहुंच गया कि राउफ गुरुदत्त को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जिद करने लगे। उसके हिसाब से अगर गुरुदत्त मुस्लिम बन जाएंगे तो कानूनन दूसरी शादी करने का रास्ता खुल जाएगा। इस बात के लिए गुरुदत्त ने समर्थन दिया नहीं, पर फिर भी अगले दिन वो काजी को लेकर गुरुदत्त के घर आ गया। सौभाग्य से वहां अबरार अलवी, एम सादिक, जॉनी वॉकर और अभिनेता रहमान पहले से ही आकर बैठे हुए थे। उन चारों ने गुरुदत्त को घर में छुपाया और रऊफ के आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद रऊफ कुछ धार्मिक लोगों को लेकर गुरुदत्त के घर पहुंचा। उसने उन चारों के गुस्से भरे चेहरे देखे और कुछ बोले बिना वहां से लौट गया। उस वक्त गीता दत्त लंदन में थी। वहां से लौटने के बाद सीधा कश्मीर गई और वहां से गुरुदत्त को कॉल करके एक्सीडेंट होने का झूठा नाटक रचा। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही गुरुदत्त बेचैन हो गए और कश्मीर जाने की तैयारी करने लगे। इत्तेफाक से गुरुदत्त के दोस्त श्याम कपूर कश्मीर से लौट कर आए थे। उन्होंने गुरुदत्त को जानकारी दी कि गीता दत्त कश्मीर में एंजॉय कर रही हैं। साथ ही श्याम कपूर ने ये भी बताया कि लंदन से गीता के साथ एक पाकिस्तानी इंसान भी आया हुआ है, उसी के साथ गीता कश्मीर में समय बिता रही हैं। ये सुनकर गुरुदत्त ने इन सभी बातों का अंत करने का निर्णय लिया और ऑफिशियली उन्होंने ऐलान किया कि वहीदा रहमान के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने खुद से ही वहीदा रहमान से दूर रहने का बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के बाद थोड़े दिनों में ही गुरुदत्त और गीता के बीच मामला सुलझ गया। इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था जिस पर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।